अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आज की वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है क्योंकि आज हम लोग कर रहे हैं फेशियल। यस, फाइनली बहुत टाइम के बाद मैं आप लोगों के साथ एक नया फेशियल शेयर करने वाली हूँ और ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही अच्छा होगा। इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई भी लगेगी और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी लगेगी क्योंकि इस फेशियल का नाम है राइस फेशियल। यस, आपको पता है कि कोरियन स्किन, अब हर कोई चाहता है उनकी कोरियन स्किन हो, चाहे ग्लास स्किन हो, ये हो वो हो। तो कोरियन स्किन की अगर आप प्रोडक्ट्स देखें तो उनमें जो की इंग्रेडिएंट होता है और मोस्टली प्रोडक्ट्स जो उनकी फेमस प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर वो लोग राइस यूज़ करते हैं। अब राइस एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं, राइस पाउडर यूज़ करते हैं, वो किस तरह से करते हैं वो ऑब्वियसली जो फॉर्मुलेशन होती है उसके अकॉर्डिंग होती है, लेकिन वो लोग राइस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हम लोग भी आज राइस फेशियल करने वाले हैं और हमारी जो भी हम लोग चीज़ें यूज़ करेंगे जैसे क्लेंजर, स्क्रब, मास्क, सब 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 चीज़ों के अंदर हम लोग राइस ऐड करेंगे और राइस ही हमारा की इंग्रेडिएंट होने वाला है इस फेशियल में। तो जल्दी से करते हैं स्टार्ट और देखते हैं किसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। ओके, तो मैं अच्छी तरह से अपना फेस वॉश करके आ गई हूँ बिकॉज मैंने सनस्क्रीन वगैरह लगाई हुई थी, तो मैंने कहा स्किन एकदम नीट और क्लीन होनी चाहिए, तो वो हो गया है। अब मैं ये बैंड पहन रही हूँ ताकि हमारे बाल बीच में ना आए और हम आराम से अपना फेशियल कर सकें। ठीक है, तो ये हम लोग पहले पहन लेते हैं, ज़रा टाइट बांधूंगी। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले बनाते हैं हम लोग अपना क्लेंजर। क्लेंजिंग के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया था, 1 टेबलस्पून राइस मैंने वाटर में सोक करके रख दिए थे। जितनी ज़्यादा देर रखेंगे उतना अच्छा होगा। उसके बाद ये हम लोगों ने अब इसमें पैन में अपने जो है वो डाल दें और इनको अच्छी तरह से बॉईल करना है। इसे आपने इतना बॉईल करना है कि आपके चावल अच्छी तरह से पक जाएं, मतलब खाने की हद तक ना पके, मतलब तो उससे कम भी हो तो चलेंगे लेकिन अच्छे फूल जाएँ, कुछ इस तरह से हो जाएँ। तो ये हमारे रेडी हो गए हैं चावल। अब इसे हम लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा ठंडा कर लें, उसके बाद हम लोगों ने इसका पानी जो है वो अलग कर लेना है और इसमें पानी रहने देना है, इसलिए आपने लो फ्लेम पे बनाना है। मैंने सिर्फ 1 ग्लास ही पानी डाला था लेकिन फिर भी उसमें से आप देख रहे हैं कि पानी बच गया है। तो चावल अलग कर लें और पानी अलग कर लें। अब क्लेंजिंग के लिए जो है आपने जो राइस वाटर है ये लेना है 2 to 3 टेबलस्पून और इसके अंदर टोमेटो जूस ऐड कर देना है। बस ये 2 इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए इसके लिए, क्लेंजिंग करने के लिए। और ये हमारा क्लेंजर रेडी हो गया है, अब इसे हम लोग करते हैं यूज़ अपने फेस के ऊपर। ओके, तो क्लेंजर की रेसिपी आप लोग देख चुके हो कि किस तरह से बनाना है। ये आप देख सकते हो इसमें राइस वाटर है और साथ में टमाटर का जूस है। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करिए अच्छी तरह से। एक कॉटन बॉल लेनी है आपने और इसको अपने फेस के ऊपर इस तरह से आपने लाइट मसाज करना है। जिन लोगों को टमाटर सूट नहीं करता या जो लोग बिल्कुल न्यू हैं, पहले आप लोगों ने टमाटर एक दफ़ा अपने फेस के ऊपर यूज़ करके देख लेना है कि आपको कोई इचिंग वगैरह ना हो, क्योंकि कुछ लोगों को टमाटर सूट नहीं करता, इसमें लैक्टिक एसिड होता है। तो अक्सर लोगों को, मतलब किसी को सूट नहीं भी कर सकता, ज़रूरी नहीं है कि सबको ही सूट करे। तो इसलिए पहले आप लोगों ने एक दफ़ा इसे अपने फेस के ऊपर ट्राई कर लेना है, अगर कोई इचिंग वगैरह कुछ ना हो फिर आपने इसको यूज़ करना है। तो ये राइस वाटर के साथ इसको मिक्स करके इस तरह से आपने जेंटली जो है इसको, अच्छा खा भी सकते हैं ठीक है, लेकिन आप लोगों ने खाना है फुल फेस के ऊपर। टमाटर जो है बेसिकली वो डिटैनिंग करता है। अगर इनकेस आपकी स्किन डार्क हो गई है, आप यूनिवर्सिटी जाते हो या कॉलेज वगैरह जाते हो या बाहर जाते हो, कहीं भी गए हो और आपकी जो है स्किन टैन हो गई है, तो ये डिटैनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके अलावा जो राइस वाटर है वो स्किन ब्राइटनिंग में, स्किन कॉम्प्लेक्शन को जो है आपका ब्राइट करने में, साफ़ करने में हेल्प करता है। तो आपने इस तरह से ले के और लाइट लाइट सा इस तरह से मसाज करते जाना है। ये आपने 1 से 2 मिनट के लिए करना है प्रॉपर, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और आप इस फेशियल को हफ्ते में एक बार कर सकते हो और रेगुलर करते रहोगे तो 1 महीने में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इससे आराम आराम से करना है, जोर जोर के रब नहीं करना, जेंटली बस आपने इस तरह से पानी लेते जाना है और इस तरह से नॉर्मल जैसे हम क्लेंजिंग करते हैं वैसे क्लेंजिंग करनी है। ये मैंने इसलिए नीचे रखा हुआ है ताकि नीचे ना गिरे। अब ये 1 से 2 मिनट में करती हूँ और उसके बाद फिर हम आएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। ओके, सो 1 से 2 मिनट करने के बाद अच्छी तरह से आपने क्या करना है, अभी आपने फेस को वॉश नहीं करना, आपने ये जो है इस तरह से, ये जो हमारा कॉटन बॉल है इसको आपने इस तरह से निकालना है क्योंकि मोटा होता है, तो इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए इसको हल्का सा स्ट्रेच करेंगे तो ये और पतला हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और इस तरह से आपने इसे अपने फेस के ऊपर रख लेना है। तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो सारा आपके स्किन के अंदर जाएगा। अभी ये बेसिकली हम लोग इस तरह से लगा रहे हैं जैसे शीट मास्क अप्लाई करते हैं ना फेस के ऊपर, समझें कि हम लोग भी शीट मास्क वाला काम कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से अप्लाई कर लिया है और जो हमारे पास इसमें अभी थोड़ा सा प्रोडक्ट रह गया है वो भी इस तरह से डिप करके सारा कॉटन बॉल में ले लेंगे। हमने अब 2 से 3 मिनट के लिए फेस के ऊपर रखना है और उसके बाद फिर मैं वापस आती हूँ। अब मेरे जो ये कॉटन पैड है, मैंने नाक पर भी एक रख लिया था
मैंने कहा ज़रूरत है ना पे भी और यहाँ पर भी, तो मैंने कहा चलो इसको भी रख लेते हैं। और इसको अब मैंने अच्छी तरह से 5 मिनट्स के बाद अब इसको हम उतार रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से एक एक करके आपने उतार लेना है। अगर पूरा गिल ड्राई नहीं भी हुआ तभी इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमारा काम सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट रखना था, दैट्स इट। वो हमने अपना काम पूरा कर लिया है और अब तक टमाटर ने भी अपना अच्छा काम कर लिया होगा, ठीक है। ये देखें अब हमारा हो गया है, अब चरण है स्क्रब की, तो जल्दी से स्क्रब बनाते हैं और लेकर आते हैं। इस स्क्रब के लिए आपको ये ऑरेंज वाली दाल चाहिए, इसे आप लोगों ने अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेना है। पहले इसको छान लेना क्योंकि अगर इसमें कोई चंक्स होंगे तो वो निकल जाए, हमें सिर्फ पाउडर चाहिए। तो ये पाउडर बन गया, ये 1 टीस्पून मैंने लिया है। इसमें 1 टीस्पून मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून ही हमारा चावल का आटा जाएगा, और वैसे भी ये वेस्ट नहीं होगा क्योंकि आपके फुलाम जोर पर लग जाएगा। अब इसको मिक्स कर लिया है, अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ दही क्योंकि हमने इसका एक बहुत अच्छा सा पेस्ट रेडी करना है। तो इसके अंदर साथ साथ मैं ऐड कर रही हूँ चावल का पानी, जो राइस वाटर हम लोगों ने बनाया था वो वाला इसके अंदर जा रहा है, और थोड़ा सा टोमेटो जूस। टोमेटो जूस अगेन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तब आपने बहुत थोड़ा सा यूज़ करना है, बाकी आपने जो बाकी चीज़ें हैं वो ज़्यादा ऐड कर लें, जैसे राइस वाटर है वो साथ साथ थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएँ, क्योंकि हमें ये एक फ़ाइन पेस्ट पेस्ट नहीं मतलब एक जो हमें अपना स्क्रब बनाना है वो बहुत फाइन सा होना चाहिए, बहुत रनी भी नहीं होना चाहिए और बहुत थिक भी नहीं चाहिए कि बहुत हैवी लगे हमारे फेस के ऊपर। इसलिए तो मैं साथ साथ राइस वाटर इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको पतला किए जा रही हूँ जब तक मुझे ये ना लगे कि हाँ इसकी कंसिस्टेंसी ठीक है। अब इसके अंदर मैं चावल सॉरी जो बादाम का पाउडर है वो ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास बादाम है तो आपने उन्हें ग्राइंड करके वो इसके अंदर ऐड कर लेने हैं, अगर आपके पास बादाम नहीं है देन इट्स ओके, आप लोग ओट्स ले लें उनको ग्राइंड करके उनका पाउडर इसमें ऐड कर लें। और ये हमारा हो गया है रेडी, स्क्रब हमारा रेडी हो गया है। ये देखें बहुत अच्छा सा स्क्रब रेडी हुआ है, और इसको अब हम लोगों ने फेस पे एक अच्छी अमाउंट अप्लाई करनी है, मतलब हैवी अमाउंट होनी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी है आपने अप्लाई करने में। इसको अच्छी तरह से लगा लें, आप इसे हाथों पे भी लगा सकते हैं और जहाँ मर्जी चाहे वहाँ लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा स्क्रब आपका बना है, और सबसे अच्छी बात यह है ये माइल्ड है, जेंटल है, आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि अक्सर स्क्रब ऐसे होते हैं जो बहुत हार्श होते हैं और आपकी स्किन को डैमेज करते हैं, तो ये बिल्कुल भी वो वाला स्क्रब नहीं है, माइल्ड है और बहुत अच्छा है। इसको आप अपने डार्क सर्कल्स पर भी लगाएं और नेक पर भी। जो भी प्रोडक्ट मैं हमेशा कहती हूँ फेस पर लगाएं वो नेक पर ज़रूर लगाया करें। तो थोड़ी हैवी अमाउंट लगाएंगे हम लोग। ओके तो फुल फेस मैंने कवर कर लिया है, बहु लग रही हूँ ना अच्छी, और जो रह गया है वो मैं अपने हाथों पे अप्लाई कर रही हूँ, हाथों के लिए भी ज़रूरी है। उप्स छरा सो आई एम डन। और अब जो है हम मैं 10 to 15 मिनट्स के लिए इसे फेस के ऊपर रहने दूंगी, और उसके बाद बिल्कुल ड्राई नहीं होने दूंगी कि बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर ड्राई हो, क्योंकि फिर हम लोगों ने लाइट सा मसाज भी करना है। इतना ड्राई होने दूंगी कि ये 70 to 80% ड्राई हो जाए, उसके बाद फिर हल्का हल्का पानी लगा के फिर हम इसे मसाज करते हैं, ठीक है। तो अभी तो हम लोग वेट करते हैं 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के बाद फिर मैं वापस आती हूँ। खरा ओके सो आई एम बैक, और काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, यू कैन सी यहाँ से ड्राई हो गया है, यहाँ यहाँ से हो गया है, और मैंने क्योंकि काफ़ी थिक लेयर लगाई थी तो इसलिए हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। अब जो है इसको लाइट लाइट सा मसाज करना मैं शुरू कर रही हूँ, क्योंकि ये सही अमाउंट मतलब इस टाइम जो है बिल्कुल सही है, इस टाइम मैं आराम से इसे रब कर सकती हूँ, वरना बाद में ज़्यादा हो जाएगा हार्श, तो फिर इसलिए मैंने कहा अभी कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा ये काम आपने वॉशरूम में करना है, मैं रूम में कर रही हूँ इसलिए मेरा सारा गिर रहा है, और उसके बाद मुझे सफाई भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। तो नोज़ पे हमेशा आपने इस तरह से सर्कुलर मोशन में लगाना है, इससे क्या होता है जब भी आप स्क्रब कर रहे होते हो या मसाज कर रहे होते हो तो इस तरह से आपके पोर्स क्लीन हो जाते हैं और जो भी डर्ट होती है वो निकल जाती है। तो इस तरह से सर्कुलर मोशन में अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करते हुए, ठीक है, इस तरह से। जो मैंने हैंड्स और आर्म पे लगाया था वो ड्राई हो गया था जल्दी क्योंकि पतली लेयर थी, तो वो मैंने वॉश कर लिया। तो ये मैंने कहा आपको दिखा के करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, अगर आपको दही यूज़ सूट नहीं करती तो फिर आप रोज़ वाटर के साथ लगा लें, अदरवाइज थोड़ी सी दही ऐड करेंगे तो आपका जो ये मास्क है ये बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि समटाइम क्या होता है मास्क अच्छी तरह से फेस के ऊपर लगता नहीं है अगर आप खाली रोज़ वाटर के साथ बनाओ इसलिए। और टमाटर जो है जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ स्किन ब्राइटनिंग का काम करता है, डीटैनिंग का काम करता है, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये मिलके डीटैनिंग का काम करेंगी, आपकी स्किन को ब्राइट करेंगी और आपकी स्किन को स्मूथ करने में हेल्प करेंगी। मुंह को रगड़ नहीं रही हूँ कि जोर 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 से प्रेस नहीं करना, आपने बहुत जेंटली बहुत आराम से हल्का सा बिल्कुल लाइट सा प्रेशर से ये करना है। अब हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ना है कि ये जो लिक्विड है आपको हमारे फेस पर नज़र आ रहा है ना, हमारे फेस पर मतलब जैसे कि 2-4 मोर
मतलब जो मेरे फेस के ऊपर आपको अभी ये वेट वेट फील हो रहा है, जैसे ये दही है और टमाटर, ये सारे जो जूस है, ये जो भी आपको मेरे फेस के ऊपर फील हो रहा है, ये बिल्कुल ड्राई हो जाए अच्छी तरह से मेरी स्किन के ऊपर, फिर मैं वॉश करके इसको वापस आता हूँ। ओके चला, सो मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ और मेरे नाक पे मतलब चेक करो, शाइन चेक करो, कैसे मस्त किस्म की शाइन आ रही है और स्किन एकदम से फ्रेश लग रही है, बहुत हेल्दी लग रही है। ओके एक मैं आप लोगों के साथ एडिशनल जो है स्टेप शेयर कर रही हूँ, तो ये उन लोगों के लिए है जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना कि हमारे नोज़ पे बहुत ज़्यादा पोर्स फील होते हैं, या बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, ये बहुत ऑयली है, या ब्लैक हेड व्हाइट हेड है, तो ये स्टेप आप लोगों के लिए है। आपने क्या करना है, टॉवल ले लें जो भी आपके पास है, आप यूज़ करते हो, मैं ये मेकअप रिमूवर वाला ले रही हूँ जिसे मैं अपना मेकअप रिमूव करती हूँ, और आपने गरम गरम पानी लेना है, देखो तो ये गरम गरम पानी है, इसके अंदर मैं ये अपना टॉवल डिप करूँगी और अपने नोज़ पे रखूँगी। ये बेसिकली इसलिए है, आप वैसे स्टीम ले सकते हो लेकिन मैं पर्सनली स्टीम के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि वो फिर आप अपने फुल फेस के ऊपर लेते हो, जहाँ ज़रूरत नहीं भी होती वहाँ भी आप फजूल में ले रहे होते हो, आपके पोर्स फिर विजिबल हो जाते हैं, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप स्टीम ना लें। ये स्टेप बहुत ईजी है और बहुत अच्छा है, और वहाँ वहाँ आप यूज़ कर सकते हो जहाँ आपका प्रॉब्लमेटिक एरिया है, वरना मेन कंसर्न लोगों का नोज़ ही होता है। तो इस तरह से देख लें, गर्म गर्म टॉवल और इसके धुएँ चेक करें, और ये आपने अपने नाक के ऊपर इस तरह से, उई गर्म है, बहुत गर्म है, नाक के ऊपर रखना है। इससे क्या होगा, आपके पोर्स थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर जब आप क्लीनिंग करोगे तो आराम से क्लीनिंग हो जाएगी आपकी। तो आपको जो है फुल फेस के ऊपर स्टीम नहीं लेनी पड़ेगी, अपने पोर्स को डिस्टर्ब नहीं करें बिला वजह जब ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपने गरम गरम रखना है, थोड़ी देर के लिए रखें, 5 सेकेंड्स के लिए रखें, उसके बाद फिर से इसे गर्म गर्म पानी में डिप करें, फिर रखें, इस तरह से 5-6 बार करें। इससे आपके देखेंगे आपकी स्किन एकदम से सॉफ्ट हो जाएगी, और फिर जब हम लोग ये पिन यूज़ करेंगे इससे जो भी आपका ब्लैक हेड व्हाइट हेड होगा निकल जाएगा। मेरे अल्लाह का शुक्र है ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स नहीं होते, क्योंकि आपको पता है मैं वीकली फेशियल कर लेती हूँ, तो उस वजह से ज़्यादा ये होता है कि पोर्स में कोई ऑयल वगैरह हो या ऐसी कोई चीज़ हो या हल्का सा कुछ हो तो पोर्स क्लीन हो जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा ब्लैक हेड व्हाइट हेड अल्लाह का शुक्र है नहीं होते। उसके लिए मैं एंड में आपको एक और चीज़ भी बताऊंगी, सो मेक श्योर कि आप एंड तक देखो ताकि आपको समझ आए कि मैं एंड में एक और चीज़ आपको बताऊंगी बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव। इस तरह से अब मैं ये 4-5 बार रखने वाली हूँ। अपने नोज़ को हल्का सा वेट कर रही हूँ, फिर इससे क्या होता है आपके पोर्स क्लीन आराम से हो जाते हैं। अगर बिल्कुल ड्राई स्किन होगी तो इतनी इजीली क्लीन नहीं होते, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया है, और आप जितनी बार मर्जी इसको रख सकते हो, मैंने आपको भी करके दिखा दिया है। अब आपने पिन लेनी है, ये जो पिन होती है, और इस तरह से बिल्कुल लाइट से प्रेशर के साथ, आपको ज़्यादा प्रेशर लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टीम हीट की वजह से और गर्म जो आपने यूज़ किया है इसकी वजह से आपके पोर्स बहुत आराम से क्लीन हो जाएंगे। और इससे पहले क्योंकि आपने स्क्रब भी किया है तो फिर आपके नोज़ आप देखोगे बिल्कुल आराम से क्लीन हो जाएगा। ये देखो मतलब कि निकल गया है, ये गंद निकल रहा है। मैं सारा टिश्यू पे निकाल दूंगी, लेकिन ये ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स नहीं है, ये वैसे जो आपका होता है ना कि पोर्स क्लीन ना, आप मतलब क्योंकि गर्मियां हैं तो ऑब्वियसली बार बार आपके नाक पे जो है वो ऑयल आता है और वो फिर आपके जो पोर्स हैं उनमें फिल हो जाता है, तो फिर वो वाला सीन है। ऊपर से हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं, बाकी चीज़ें लगाते हैं, तो वो भी हमारे पोर्स में जाके फिल होती हैं, तो इसलिए ये बेसिकली वो होता है, गंक होता है जो हमारे पोर्स में फिल हो जाता है। पोर्स फिल हैं, ये पोर्स गंदे हैं, और मेरे फोरहेड पे ग्लो देखो माशाल्लाह कितना अच्छा आ रहा है, कैन यू सी, और मेरा नाक भी चमकना शुरू हो गया और स्किन भी एकदम से फ्रेश लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह बोले माशाल्लाह। तो ये बेसिकली अक्सर क्या होता है, डेड स्किन भी होती है जो आपकी इसके साथ साथ रिमूव हो जाती है, क्योंकि जब आप गर्म लगाते हो तो आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है, जब आप अपना ये टूल यूज़ करते हो तो आपकी डेड स्किन भी उतर जाती है, तो समटाइम डेड स्किन भी होती है वो भी उतर रही थोड़ा होती सा है। रोज़ वाटर स्प्रे कर रही हूँ, और अब बारी आ जाती है हमारे मास्क की, और जल्दी से रेडी करते हैं मास्क। अब मास्क के लिए जो राइस हमने बॉईल किए थे उसमें मैं ऐड कर रही हूँ एलोवेरा जेल, और उस अगर आपको आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है या आपको सूट नहीं करता तो आप इसे स्किप कर सकते हो। टोमेटो जो हम लोग यूज़ कर रहे थे जिसमें से हम लोग जूस ले रहे थे उसका मैंने थोड़ा सा पीस लेके वो भी इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हनी और हमारा राइस वाटर, ये सारी चीज़ें जाएंगी और इन्हें हम करेंगे ग्राइंड और एक अच्छा सा फेस मास्क बना लेंगे। अगर आपका फेस मास्क बहुत रनी बन रहा है तो आप इसके अंदर चावल का आटा भी बाद में ऐड कर सकते हो, मतलब राइस फ्लोर थोड़ा सा ऐड कर लोगे तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा एज अ मास्क। ये तो ये आ गया है हमारा चावलों का मास्क, और ये देखिए अब ये भी हमने एक अच्छी सी अमाउंट अप्लाई करनी है अपने फेस के ऊपर, ये भी थोड़ा सा हैवी ही लगाएंगे, एंड अगेन हमें अपनी बिब लगाने की ज़रूरत है क्योंकि मुझे लगता है ये भी शर्ट में जाएगा, तो इसलिए बिब लगा लें। चलो
और ये मैंने बना के जब तक, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें एक साथ बना ली थी, तो ये मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ज़्यादा अच्छा ठंडा हो जाए। फिर जब ठंडा ठंडा फेस पर रखते हैं ना तो मज़ा आता है। कर लिया है और इसको हम लोग रहने देंगे फेस के ऊपर 15 मिनट्स के लिए। इसको अच्छी तरह से ड्राई होने देंगे कि फुली ड्राई हो जाए और फिर इसको वॉश करेंगे। तो वेट करते हैं 15 मिनट्स के लिए। ओके, सो एज यू कैन सी मेरा मास्क फोरहेड से काफ़ी ड्राई हो गया है, बाकी फेस से भी काफ़ी ड्राई हो गया, मतलब मेरा फेस स्ट्रेच हो रहा है। और ये अभी थोड़ा सा रह गया है लेकिन इट्स ओके, अब मैं इतना टाइम नहीं वेट करूँगी क्योंकि हमने काफ़ी हैवी अमाउंट अप्लाई की थी, तो कोई मैं 20 मिनट हो गए हैं मुझे, तो आई थिंक अब मुझे जाके वॉश कर लेना चाहिए। तो बस अब मैं जा रही हूँ इसको वॉश करने के लिए। मैंने कहा थोड़ा सा ऐसे सिरप कर लूँ ताकि ये जो ड्राई हुआ है वो भी इजीली फिर उतर जाए। तो अब जाके मैं वॉश करके फिर आती हूँ वापस। ओके चला, सो मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ और अब मेरी स्किन देखो माशाल्लाह एकदम से इतनी साफ लग रही है, इतनी फ्रेश लग रही है, और ऐसा लग रहा है मुँह का काफ़ी सारा गंद निकल गया है। तो अच्छा, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं एंड में एक चीज़ बताऊंगी आप लोगों को, ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन लोगों को पोर्स हैं या फिर जिन लोगों के ब्लैक हेड वाइट हेड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये है BHA टोनर, ये बेसिकली BHA टोनर है, इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड होता है, ये माइल्ड पीलिंग करता है, ये आपके सीबम को कंट्रोल करता है और आपके पोर्स को श्रिंक करता है, मतलब उनकी जो विजिबिलिटी होती है उन्हें थोड़ा कम दिखाता है। तो जिन लोगों को ब्लैक हेड वाइट हेड होते हैं या जिन लोगों को पोर्स का इशू है या इवन एक्ने का भी इशू है, आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह से कॉटन बॉल के ऊपर थोड़ा सा लेना है। ये सिर्फ अभी मैं नोज़ के लिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, तो मैं सिर्फ इसे नोज़ पे, और अल्लाह का शुक्र है बाकी मेरे फेस पे कहीं और कोई मसला नहीं होता है, सिर्फ नाक पे थोड़ा सा होता है कि ऑयल ज़्यादा आता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से कॉटन बॉल के ऊपर थोड़ा सा लेके, और आप ये हफ्ते में 3 से 4 बार करें, मतलब एक एक दिन का गैप देके इस तरह से आप लगाया करें। इससे क्या होगा, ऑयल एक्स्ट्रा जो है वो कंट्रोल होगा और आपके जो बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड वाइट हेड होते हैं वो नहीं होंगे। तो इस तरह से आपने बेसिकली प्रेस करते हुए यूँ लगा लेना है। अक्सर लोग कहते हैं ना हमारी ये जगह ब्लैक हो रही है, यहाँ पे हमें ऑयल बहुत आता है, ब्लैक हेड हो जाते हैं। तो आपने हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर अपने नोज़ को क्लीन कर लिया करें, बेशक पूरा फेशियल ना करें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जैसे मैंने आपको टॉवल बताया है उस तरह से टॉवल रख के और अपने नोज़ को क्लीन करके, और इस तरह से हफ्ते में 3 या 4 बार ये ज़रूर लगाया करें BHA टोनर। इससे आपका जो एक्सेस ऑयल है कंट्रोल होगा और आपको ब्लैक हेड वाइट हेड्स नहीं होंगे। ये आप रात को कर सकते हो, हर एक दिन के बाद एक दिन का गैप देके फिर आप रात को कर सकते हो। इसे आप 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद आप नॉर्मल अपनी स्किन केयर रूटीन कर लो जो भी आप करते हो, ठीक है। ये देखें इस तरह से लगा के, और मैं कहीं नहीं लगा रही है। जिन लोगों को पोर्स का इशू है तो वो यहाँ यहाँ लगा सकते हैं इसी तरह से डैबिंग मोशन में, या जिन लोगों को एक्नी का इशू है आप अपने फुल फेस के ऊपर इसी तरह से डैबिंग मोशन में अप्लाई कर सकते हो। तो इंशाल्लाह इससे आपकी एक्नी भी कंट्रोल होगी, आपका एक्सेस ऑयल भी कंट्रोल होगा, आपके पोर्स भी जो है उनकी विजिबिलिटी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हमने लगा दिया है, अब इसको 10 मिनट के बाद 10 मिनट के लिए छोड़ती हूँ और फिर मैं अपनी स्किन केयर रूटीन करके फिर वापस आती हूँ। ओके गर्ल्स, सो छरा आई एम डन विद माई स्किन केयर रूटीन, और मैंने अपनी पूरी रूटीन फॉलो कर ली है जो मैं नाइट टाइम में करती हूँ। तो ये हो गया हमारा फेशियल, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो मेरी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में या डे टाइम स्किन केयर रूटीन में, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आप लोगों के लिए फुल रूटीन जो है वो शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ कि मैं डे टाइम में कौन सी रूटीन फॉलो करती हूँ और नाइट टाइम में कौन सी करती हूँ। और मैं थोड़ी बहुत चेंज करती रहती हूँ वेदर के अकॉर्डिंग, जैसे अब गर्मी जैसे जैसे ज़्यादा होती जाएगी उस तरह से मेरी रूटीन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, और जैसे ही थोड़ा मौसम अच्छा हो जाएगा तो रूटीन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो अभी इस वेदर के अकॉर्डिंग अगर आप लोग जानना चाहते हो मैं अपनी क्या स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और ये वाला फेशियल आपको कैसा लगा है ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ख़ुद भी इसको ट्राई करें, और मेरे साथ आप लोगों ने रिजल्ट ज़रूर शेयर करने हैं इंस्टाग्राम पे, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है आके कि आप लोगों को ये फेशियल कैसा लगा है। अब इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।